गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो आज 8 अक्टूबर की जो तीनों शिफ्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनके लगभग 90 क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है सभी के लिए, जिसका भी एग्जाम था आज और आने वाले समय में जिनका एग्जाम्स है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखिए सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं, जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ। ठीक है, तो देखिए मैथ और रीजनिंग के जितने क्वेश्चंस मिले थे हमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, उतने क्वेश्चंस हम अभी करेंगे और शॉर्ट टेक्स से करेंगे। ठीक है, और जितने जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं वो भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको, इस वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपको मिलेगी पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर टेलीग्राम की एक लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर टेलीग्राम की ज्वाइन करने के बाद इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, और बाकी जितनी भी पीडीएफ रहती हैं वो भी आपको मिलती रहती हैं टाइम टाइम। ठीक है, और करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें भी वहाँ पर रहती हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको हेल्पफुल ही रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। उसमें हमसे पूछा था यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक क्या है। तो देखिए कौन सी सिटी है, वो है वाराणसी। क्या है? वाराणसी। ठीक है, हमसे पूछा था दूरदर्शन के हेड कौन है। तो देखिए सुप्रिया साहू है, जो किसकी हेड है? दूरदर्शन की हेड है। ठीक है, ओके। और अभी दूरदर्शन डीडी, जो डीडी आपका जो डीडी चैनल है, डीडी किसान चैनल है, उसके ब्रांड एम्बेसडर पूछे थे। ठीक है, तो डीडी वन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जो अलग करती है उस सागर का नाम बताना है। तो तासमान सागर कुछ करके, तासमान सागर करके इसका नाम है। ठीक है, देखिए पंचतंत्र से, पंचतंत्र एक बुक है, उसके लेखक के बारे में पूछा था। देखिए जो बुक और ऑथर्स हैं, ठीक है, जो बुक्स और ऑथर्स हैं उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ठीक है, लगभग एक 15 या 20 मिनट की दोनों मिलाकर वीडियो हैं, दो वीडियोस हैं, और उनसे ज़्यादा वीडियोस, देखिए उनसे ज़्यादा बुक्स शायद ही कोई बता पाए, क्योंकि सारी सारी न्यू से लेकर ओल्ड बुक तक हैं जो इम्पॉर्टेंट है, सारी IMP बुक्स हैं। ठीक है, तो आप एक बार बुक्स एंड ऑथर की वीडियो देखिएगा, चैनल पर जाइए, वहाँ पर विजिट कीजिए, वहाँ पर और भी बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी। इसका आंसर जरूर होने वाला है आपका विष्णु शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सानिया मिर्जा की किताब का नाम बताना था, एस एजेंट्स ओट्स करके इनकी बुक्स का नाम है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, कितने मेंबर्स होते हैं? तो 250 मेंबर्स या सीटें होती हैं। ठीक है, येलो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये है यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा था चाइना के पीएम कौन है। तो पीएम कौन है? ली कंजिंग करके इनका नाम है। ठीक है, अब देखिए सीजीए चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास पूछे थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास कौन है? बी के तहिल रामन। ठीक है, अब सेवेंथ पे कमीशन से क्वेश्चन आया था, तो अब आ सकते हैं सेवेंथ पे कमीशन से जो क्वेश्चंस थे वो आ सकते हैं, तो आपको याद करना होगा इससे। तो आपका आंसर होने वाला अशोक कुमार। क्या है? अशोक कुमार। ठीक है, रघुवंश के लेखक, रघुवंश एक बुक है, रघुवंशम, और इसके लेखक है कालिदास। क्या है? कालिदास। इस बुक को भी हमने जो सेकंड वाली बुक का जो वीडियो थी उसमें डाली हुई है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं पर मिल जाएगा, रिपीटेड। ठीक है, जो ली, ठीक है, और फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑफ, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए प्रत्युष है। क्या है? प्रत्युष है। और प्रत्युष कहाँ पर है? प्रत्युष है पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर है इंडिया का। ठीक है, ऑथर ऑफ पंचतंत्र ये बता चुका हूँ, विष्णु शर्मा। देखिए व्हाट इज मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 नंबर? ठीक है, फर्स्ट 50 नंबर का योग जो होता है n+1। ठीक है, योग हमें पता है अपॉन टू। ठीक है, मीडियन निकालना तो n कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो हमारा, देखिए मैंने जो आपको फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में बताया था वहाँ पर मैंने 25.5 लिख दिया था, लेकिन ये गलत है। ठीक है, आपका आंसर आएगा 24.5। क्या आएगा? 24.5 आंसर आएगा, सॉरी उसके लिए, लेकिन आपका 25 नहीं आएगा, ये गलत है, 24.5 ही आने वाला है। ठीक है, ओके। विच ऑफ दिस टाइटल हैव बीन बॉर्न बाय मानुषी चिल्लर? तो आपको ऑप्शन देने थे कि ऑप्शन में आपको कौन सा दिया था, कौन सा ये पुरस्कार था, तो देखिए ऑप्शन नहीं मिला है। ठीक है, आप इनके बारे में पढ़िएगा, क्योंकि ये इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है चेयर, और चेयर, देखिए चेयर क्या एक फर्नीचर है। ठीक है, शर्ट, शर्ट क्या एक
शर्ट क्या है, कपड़ा है, ठीक है, शर्ट क्या है, कपड़ा है, तो कपड़ा आपका आंसर होने वाला था। अगर ऑप्शन में कपड़ा लिखा है या क्लॉथ लिखा है तो आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑथर ऑफ रघुवंशम ये बता चुका हूँ, कालिदास है, कौन है, कालिदास है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच लेडी ऑफ झारखंड वॉन द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड 2017, तो इनका नाम है जमुना टुडू, क्या है, जमुना टुडू, कौन है, जमुना टुडू, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हुई इज द फर्स्ट तुर्वांशिक वुमेन ऑफ कनाडास सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो कौन है, परमिंदर कौर सिंगली, ठीक है। इनके बारे में मैंने करंट अफेयर में आपको बताया था, परमिंदर कौर के बारे में, इसका आंसर ये रहा सेकंड, देखिए, और ये आ ही गया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, आप अगर करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अनमया द पोपियोट ऑफ पोएट ऑफ मेडिवल पीरियड पेरोडिक बिलोंग टू विच स्टेट, तो किस स्टेट से बिलोंग करती है, वो करती हैं आंध्र प्रदेश से, किससे, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। शिवशंकर प्रसाद चौरसिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है शिवशंकर प्रसाद जी, तो किससे हैं, गोल्फ से हैं, किससे हैं, गोल्फ से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वैन बिल G20 इकोनॉमिक समिट 2018, तो देखिए कहाँ होगी, तो ये होगी अर्जेंटीना में, G20 की समिट कहाँ पर होगी, 2018 की अर्जेंटीना में, ठीक है। करंट रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये देखिए क्या बताना है, नीतीश गडकरी, और ये क्यों आया है, तो आई थिंक ये कि अभी आपने इनके बारे में सुना होगा बहुत, जी जो है न्यूज़ में रहे थे, ठीक है, इसलिए इनका क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। हु वॉन फ्रेंच टेनिस टूर्नामेंट 2017 मेंस, मेंस का, ठीक है, तो राफेल नडाल है, राफेल नडाल है फ्रेंड्स, ये बता दूं सिंगल में जीते थे, और ये जो क्वेश्चन है ALP में भी आया था और ग्रुप डी में भी आ गया है, तो आप वुमेन का भी आया था, तो वुमेन का भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आया हुआ है, लार्जेस्ट जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, जो हम शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो क्या होती है, स्किन होती है, ठीक है। वेयर इज द ऐश्वर्या ऑयल फील्ड लोकेटेड, तो बर्मन और क्या है, राजस्थान, ठीक है, बर्मन और राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, विच एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन हैज द शेप ऑफ फुटबॉल, तो कौन सा एलोट्रॉप है जिसका शेप होता है फुटबॉल सा, बुकमिन स्ट्रेफ फुलेंस, क्या, बुकमिन स्ट्रेस फुलेंस, ये साथ में लिख गया है लेकिन ये अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विच एटम है 6 हाइड्रोजन एंड 6 कार्बन एटम्स, तो ये कौन सा है, इसका आंसर है बेंजीन, इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो कौन थे, ये थे बिंदुसार, कौन थे, बिंदुसार, इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ बुक मद्रास मद्रा देखिए मुदर मुद्राक्ष करके एक बुक है, इनके जो ऑथर हैं विशाखा दत्ता, क्या है, विशाखा दत्ता, क्या है, विशाखा दत्ता, इनका आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट द बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट इन उत्तर प्रदेश ज्वाइंट इनॉग्रेट बाय इम्यूनल मार्कोन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ये कहाँ पर है, तो ये है मिजोरम में, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन था हमारे पास, एक जो एक ए है कंप्लीट करता है कोई भी काम को 10 दिन में, कितने 10 दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, और बी कर रहा है 15 दिन में, ठीक है, कितने में कर रहा है, 15 दिन में टुगेदर कर रहा है, ठीक है, और ये भी ए और बी काम स्टार्ट करते हैं, देखिए इनका एलसीएम जो है वो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 30, यानी कि ए जो ए की इफिशियंसी होगी वो 3 होगी, बी की होगी 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इफिशियंसी निकालने के बाद उसने बोला है ए जो है वो 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो ए की जो इफिशियंसी थी वो कितनी थी, 3 थी, ठीक है, और 5 दिन पहले वो काम कर छोड़ देता है, तो 15 काम जो है वो खाली छोड़ देता है, ये कितनी हो गई, 15 35 45 हो गई, तो 45 काम टोटल रहा, ठीक है, 45 काम टोटल रहेगा, और इसको फिर इसके बाद हमें क्या, इन विच इन हाउ मच डे डज द बी कंप्लीट वर्क, ठीक है, तो देखिए बी को कंप्लीट कितने वर्क करने पड़ेंगे,
देखिए 30 माइनस करेंगे, ठीक है, ओके। और उसके बाद कितना था, ठीक है, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 2.5 डे। कितना आएगा, 2.5 डे। जो बचा हुआ काम है वो करेगा बी 2.5 डे में, ठीक है। तो आपको पहले एफिशिएंसी निकालनी होगी ए और बी की। ई बी की एफिशिएंसी निकालने का, बी ने कितना काम छोड़ दिया है, ठीक है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा, ठीक है। बी को में काम में इंक्लूड करने का, तो हमारा आंसर आएगा 2.5 डे। ओके फ्रेंड, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कुछ क्वेश्चन ये थे हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के भी मिक्स क्वेश्चन है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, तो अग्नाशय, ठीक है। प्रकाश किस माध्यम से सबसे तेज गति करता है, तो निर्वात में करता है। बेरी-बेरी रोग किस विटामिन के कारण, कमी के कारण होता है, B1 के कारण होता है, ठीक है। डीडी किसान जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, अमिताभ बच्चन जी है। कौन है, अमिताभ बच्चन जी, ठीक है। जीएसटी की दर हमें पूछी थी, तो जीएसटी की सबसे बड़ी दर, देखिए 5 दर होती है, 0, 5, 12, 18, और सबसे बड़ी होती है 28, तो हमारे आंसर था 28, ठीक है। हाल ही में फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता, तो ये जीता था ब्राजील ने। किसने किसने जीता, ब्राजील ने, ठीक है। किस राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो किसको किया गया था, गोपाल कृष्ण गांधी जी को। किसको किया गया, गोपाल कृष्ण गांधी जी को। एंगलांग शक्ति संयुक्त जो अभ्यास होता है वो किस किसके बीच में होता है, मलेशिया और भारत के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब जल पर क्या है, जल पर तैरने वाली जो धातु है वो कौन सी है, सोडियम है। क्या है, सोडियम, ठीक है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कौन सा है, दुबई है। और ये एकल नहीं है, एकल अगर पूछ ले तो मुंबई आपका आंसर है, मुंबई, ठीक है। और अगर आपसे एकल नहीं पूछ रहा है तो वो है दुबई, ठीक है। आपका आंसर देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहले ऑनलाइन रेडियो कौन था, तो रेडियो पहला ऑनलाइन रेडियो कौन था, रेडियो उमंग, ठीक है। मैग्नीशियम के दूध का रासायनिक सूत्र क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। रेलवे जोन कितने हैं, तो 17 जून है और डिवीजन है 68। ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिएगा, ठीक है। शुद्ध शुद्ध सोने का कैरेट कितना होता है, 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ डिजनी क्वेश्चन आए थे, देखिए, तो सॉरी जीके का क्वेश्चन है, जीके जनरल साइंस जो आती है, ठीक है। हमें दिया था फोर्स दिया था, ठीक है, और हमें मैग्नीट्यूड दिया था, यानी कि एफ इजिकल टू हमें एम इंटू ए जो है पूछा था, एक्सेलरेशन, क्या पूछा था, एक्सेलरेशन पूछा था, तो एक्सेलरेशन हमें निकालना, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, नॉन मेटल पूछा था हमसे, एल्कलीन का नॉन मेटल बताइए कौन सा है, तो देखिए बता दूँ, देखिए ग्रुप जो होता है एस ब्लॉक जो होता है, एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, पहला और दूसरा। पहला होता है एल्कलाइन ग्रुप, दूसरा था एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो पहले एल्कलाइन मेटल्स के जो ग्रुप होते हैं उसमें ऊपर होता है हाइड्रोजन, क्या होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या होता है, एक क्या होता है, नॉन मेटल होता है, अधातु होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा केमिकल फलों के कृत्रिम रूप से पकाने में काम आता है, और देखिए ये क्वेश्चन जो है हमसे, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा आया था, कौन सा केमिकल है जो फलों को पकाने के काम में आता है। तो देखिए एक तो कृत्रिम होता है, एक कृत्रिम होता है और एक प्राकृतिक होता है। तो कृत्रिम होता है एसिटिलीन और प्राकृतिक होता है एथिलीन, ठीक है। तो ये आंसर आप दोनों याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आने वाले समय में आ सकता है इन दोनों में से, ठीक है। तो देखिए आज का क्वेश्चन जो था एथिलीन से था, एसिटिलीन जो है आप आने वाले समय में देख सकते हैं, ठीक है, एथिलीन, ठीक है। देखिए हमें दिया था करंट 0.5 एम्पियर, टाइम दिया था 10 मिनट, और टोटल आवेश हमसे पूछा था। तो आवेश के लिए हमें कुछ नहीं, इस प्रकार का एक फॉर्मूला था, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो क्यू निकालना था, तो आपका आ जाता है यहाँ से, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 36 × 10 करेंगे तो 360 आ जाएगा, क्या 360 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम कर सकते हैं। मैथ क्वेश्चन देखिए, चतुर्भुज के एंगल दिए थे आपको, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, ठीक है, और चौथा एंगल पूछा था। तीनों एंगल का 150 हमारा क्या था, सम था, और हमसे पूछ लिया था चौथा वाला एंगल। तो देखिए पता है आपको 360 तीनों का चारों का होता है, 150 घटा दिए चौथा एंगल आ जाएगा, तो चौथा आएगा 210। कितना आएगा, 210 हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये तो समझ गए होंगे, आपको भी बहुत ही सिंपल तरीके से कर लिया। ओके अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया था हमें, सम चतुर्भुज दिया था, ठीक है। सम चतुर्भुज में से ये वाली भुजा दी थी, ये वाली भुजा दी थी। अब आपको करंट तो आप इजीली निकाल सकते हैं, 5 ही होने वाला है करंट, ठीक है। अब आपसे पूछा था स्मॉल आर क्या है, तो स्मॉल आर बराबर होता है क्षेत्रफल बटे एस, ठीक है। एस मतलब परिमाप, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे दो। कितना, तीनों भुजाओं का योग बटे दो, और क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर आ गया हमारा एक।
अगर इस प्रकार से नहीं करना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको शॉर्ट फॉर्मूला लगाना है। तो सात लिखिए, सात कहाँ से आएगा, तीन और पाँच को जोड़ के सात आ गया, पाँच हो जाए हमारे पास अपॉन टू कर दिया, तो ये भी आंसर हमारा वन आ जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। और सम आपका जो था यहाँ पर जो है वो गलत है, 24.5 आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन का आंसर था, पहले मैं बता चुका हूँ। और यही क्वेश्चन था, पाँच प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है, ये रहा माध्य और ये यहाँ पर 24 होगा। ठीक है, 25 को 24 कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन पूछा था हमसे, रीजनिंग क्वेश्चन था, वास्तविक समय दिया था हमें और जल में प्रतिबिंब पूछा था, तो 18 में से 18 30 में से घटा देते हैं, हमारा आंसर आता 8:30। ठीक है, अब देखिए, सेब नारंगी और फल से क्वेश्चन आया था, सेब। ठीक है, और देखिए आपको बता दूं क्या, देखिए फल तो तीनों की तीनों है, नारंगी दूसरा फल है और सेब दूसरा फल है, तो यहाँ पर हमारा वेन डायग्राम उस प्रकार बन जाता। ठीक है, अब देखिए ए जो है वो किसका भाई है, बी का भाई है, बी जो है सी का बेटा है। ठीक है, ओके, तो हमसे पूछा डी और हमसे पूछा है सी और डी में संबंध बताइए। सी और डी में संबंध हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि सी का हमें जेंडर नहीं पता। ठीक है, तो कांट बी डिटरमाइंड के साथ में हम चले जाएंगे। ओके, अब हमसे पूछा एक घड़ी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, घड़ी का क्वेश्चन था, 2:12 पर घड़ी की सुई क्या दर कोण क्या दर्शाएंगी। तो देखिए, कोण जो दर्शाएंगी वो इस प्रकार से दर्शाएंगी, ये रहा फॉर्मूला, 11/2 × 12 मिनट और 30 × 2 घंटे। ठीक है, तो घंटे यहाँ से निकालेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। अगर 6 आपके आंसर में नहीं दिया है तो 360 - 6 कर दीजिएगा, 354 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि घड़ी के जो जो एंगल होता है, मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, अगर हमसे इस वाला एंगल पूछ लिया और ये हमारा आ गया है और ये वाला एंगल नहीं पूछा था, हो सकता है ये वाला एंगल पूछ लिया है, तो 360 में से 6 डिग्री बढ़ा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेड़ की आयु किस प्रकार जानी जा सकती है। तो पेड़ की आयु जानी जा सकती है, जो जो बलय होती हैं, तने की जो बलय होती हैं, वो बलय उसको देखकर आप उसकी आयु का पता लगा सकते हैं। ठीक है, मलेरिया परजीवी का प्रथम पोषक है तो क्या है, मादा एनोफिली, क्या मादा एनोफिलीज। ठीक है, बल का गणनात्मक मापन करने वाला नियम कौन सा है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम हम इसे बोलते हैं, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम उसे बोल सकते हैं। दर्पण सदैव क्या करता है, दर्पण हमेशा क्या करेगा, कोई भी दर्पण होगा तो वो किसी भी प्रकाश को क्या करेगा, देखिए कोई भी दर्पण हमने इस प्रकार बना लिया। ठीक है, अब दर्पण पे अगर रेस पड़ेंगी तो क्या होगी, ये रेस जैसे परावर्तित हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी, कहीं भी परावर्तित हो तो हमें इसे परावर्तन लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का संवहन करना। ठीक है, ठीक है, पार्श्विक का मापन इकाई है, तो पार्श्विक क्या है, एक पार्श्विक दूरी का मापन है, और दूरी का मापन में भी किसका, अंतरिक्ष का मापन करता है। ठीक है, किसी विटामिन की कमी, देखिए किस विटामिन की कमी से कैल्शियम कमी हो, कैल्शियम की कमी हो जाती है, कौन सा ऐसा विटामिन है जिससे कैल्शियम कमी होती है, विटामिन डी जो है वो आपको सूर्य से मिलता है और ये इसकी कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, मैथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, हेलोजन ग्रुप क्या होते हैं, हेलोजन ग्रुप होते हैं 17 ग्रुप, क्या होते हैं 17 ग्रुप। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र हमसे पूछा था, Fe2O3 हम इसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोन टू बोन किससे जुड़ा होता है, तो लिगामेंट हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिगामेंट से जुड़ा होता है। ठीक है, सेल का पीएच मान सबको पता है 7.4 होता है और खून का भी 7.4 होता है, मानव की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसका जो कह सकते हैं उसकी कोशिका को हम उसका पीएच मान 7.4 होता है, और पीएच मान की वीडियोस मैं बना चुका हूँ, बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, और ये क्वेश्चन जो तीसरी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ओके, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, देखिए तो सेकंड शिफ्ट में पूछे थे। ठीक है, क्लॉक का आपको पता है इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, देखिए इस प्रकार से हमें फ्रेम करना, ये लाना और आपका 130 आ जाएगा, अगर 130 आंसर नहीं दिया है तो 360 में से घटा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ओके, इस प्रकार से एक मिरर का क्वेश्चन आया था और मिरर के बाद है बॉर्डर का इमेज भी आया था, तो आप बॉर्डर और इमेज को देख सकते हैं, बता चुका हूँ सेकंड शिफ्ट में आपको किस प्रकार से इसको करना है। ठीक है, देखिए मिरर में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है और आपको बॉर्डर में उल्टा हो जाता है, बॉर्डर में अगर मैंने टी यहाँ बनाई है तो बॉर्डर में टी इसे दिखेगा। ठीक है आपको, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सीरीज आई थी आपके लिए, एक सीरीज थी इस प्रकार की 20, 17, 14 और 11, तो -3 -3 -3 और फिर -3, तो 8 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है,
और यानी विषम शब्द छांटना था इसमें से, तो विषम शब्द आपका सिंपल यहाँ पर दिख रहा है, 132, 152 है, 204 है, तो सब सब संख्या है और ये क्या है विषम संख्या है, तो हमारा आंसर यही होने वाला है। एक और सीरीज थी 2, 4, 8, 12, 22, ठीक है, तो देखिए 2 आ गया, 4 आ गया, फिर प्लस हो गया 6, फिर 8, फिर 10, 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ना 32 हो जाएगा, ठीक है। 6 जनवरी 2010 को सोमवार था, तो 6 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए 2010 से आप जाएंगे 11 में तो एक दिन बढ़ेगा, 11 से 12 में जाएंगे 2 दिन बढ़ेंगे, 2 दिन क्यों बढ़ रहे हैं, 12 जो है वो एक लीप वर्ष है, 4 तिया 12 कट रहा है तो ये 2 दिन बढ़ेंगे, टोटल मिला के 3 दिन बढ़ेंगे, सोमवार में 3 दिन प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा गुरुवार यानी कि बृहस्पति बार हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स आज के जितने क्वेश्चन है वो हमने देखे, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। अगर आपको ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, या कोई भी ऐसी ट्रिक है जो आपको चाहिए, या फिर ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होगा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करेंगे तो पता चलेगा किस प्रकार क्वेश्चन है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्रेंड्स लाइक शेयर कर इसलिए कर दीजिए क्योंकि अगर देखिए मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे तो उन्हें भी आई थिंक आप उन्हें भी अच्छी लगेगी। और अगर वीडियो पसंद आई है और शेयर कर दिया है तो इस वीडियो के नीचे देखिएगा एक बटन आएगा सब्सक्रिप्शन का, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे क्या हो जाएगा हमारी वीडियो जो है आप इजीली देख पाएंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल का आइकन दबाएंगे तो क्या होगा जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको इजीली ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स।